नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आज ये प्रोग्राम किसके ओर से किया जा रहा है? आज हमारे बाराबंकी के विधायक विधान उपाध्याय उनके आदेश अनुसार आज पूरा देश में जो महामारी फैला हुआ है और सभी जगह लोग तराही तराही से दिन अपना पार कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार आज हम लोगों ने 200 पैकेट खाना राशन का व्यवस्था किया है, जिसमें 4 किलो चावल, 2 किलो आलू, 250 ग्राम मसूर दाल, 200 ग्राम तेल, जिसका हम लोगों ने गरीबों के लिए व्यवस्था किया है। करीब कितने लोगों को आप लोग ये राशन वितरण? करीबन 200 पैकेट का हम अभी तक हम लोगों ने वितरण कर चुका है। अच्छा, आज के डेट में सभी गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है और एक तरफ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा है, इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अपना अपना सोच है। मेरा सोच ये कहता है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि किसी को एक पेट का खाना देकर और प्रचार का माध्यम बनाया जाए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि इसे मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छा, आज जो इतना बड़ा महामारी हमारे देश में फैला, इस महामारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महामारी में का सबसे बड़ा अभी तक मेरे ख्याल से वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग। आप घर में भी रहे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मार्क घर से बाहर ना निकले और अपने आप को सबसे बड़ा यहाँ सुरक्षित रखना है, इसका एक मुख्य कारण है सोशल डिस्टेंसिंग। और जो लोग लॉकडाउन को नहीं मानते हुए घर से बाहर निकल जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज पहुँचा रहे? देखिए, दिन रात अगर लोग टीवी देखने के बाद और भारतवर्ष में इतनी मृत्यु होने के बावजूद भी और लोग नहीं संभले तो वो लोग अपनों के साथ पूरा देश का भी खती कर रहा है। आपका नाम? बुढ़ा, TMC आंचलिक कमेटी सभापति बुढ़ा खान। आज हमारे आंचलिक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आज यहाँ सभी लोग उपस्थित थे। उपस्थित में जो हमारे खास का सदस्य है वो लोग थे, लेकिन इसके साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग के मेहनत से, या पॉलिटिकल हो या प्रेस हो या औद्योगिक क्षेत्र के मालिक हो, सभी लोग सभी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो अपने जान जोखिम में डाल के प्रेस मीडिया वाला, उनके बारे में सरकार कोई एक रास्ता निकाले। डॉक्टर, आज डॉक्टर लोग बहुत जगह अपने जान जोखिम परिवार को छोड़कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर ऊपर हमला कर रहा है, कुछ लोग पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है। मैं उन सभी लोग से आग्रह करूंगा कि इस विपद के घड़ी में ऐसा कोई काम ना करे, क्योंकि जो हमारा राह मार्गदर्शक है, जो हमारे लिए अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़कर आज हम लोग का सेवा में लगे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर अगर मारपीट किया जाए या पत्थर से मारा जाए, उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो हम लोगों के लिए कौन करेगा? इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार हो या डॉक्टर हो या पुलिस हो, उन लोग पर किसी तरह का कोई अत्याचार ना करें।